तो 2 बजे का मेरा शो था और भाई ये मूवी के लिए एक्चुअली मैं एक्साइटेड था, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया में ये जब इसका टेम्पलेट वायरल हुआ था रणदीप हुड्डा का, उससे 1 हफ्ते पहले जब टीज़र आई थी इस फिल्म की, तभी मैंने कहा था कि भाई ये फिल्म को लाइक कोई भी ऐसा आइडियाज वगैरह, कोई भी चीज़ें लाइक कंट्रोवर्सीज ये सब वगैरह से, ये सब लाइक कंट्रोवर्सी के नज़र से ना ही देखो तो अच्छा है, वो सब चीज़ें को साइड करो, अपना एक ओपिनियन, सबका ओपिनियन अपना अपना है, बट एज अ रियलिटी कंटेंट के बेसिस पे इसका डायरेक्शन, इसका स्क्रीन प्ले, एंड द मोस्ट एंड मोस्ट अफेक्टिंग थिंग इज रणदीप हुड्डा भाई। उस बंदे ने जो लेवल का डेडिकेशन दिया ना इस फिल्म के लिए, जो लेवल का डेडिकेशन, दैट टू ये चीज़ को, मतलब ये चीज़ को अपने माइंड में सेटअप नहीं रखते हुए कि इसका कलेक्शंस कितना होगा, इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स कितने होंगे, ये कितना मतलब कितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस कर पाएगी, कितने अवार्ड्स मिलेंगे, वो सब चीज़ों को ना रखते हुए बंदे ने जो लेवल का डेडिकेशन दिया। आज मूवी देखी भाई, मूवी के अंदर स्टोरी सबका अपना अपना परसेप्शन है देखने का, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने पहले भी कई दफ़ा मैंने कहा है कि मैं चीज़ों को रिव्यू, मूवी का रिव्यू करता हूँ, मूवी देखता हूँ, तो मूवी में मेरे को कोई रियलिटी जो है उससे मेरे को कोई फ़र्क, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, क्या है कि कुछ लोगों का क्या ओपिनियन है, कुछ लोगों का दूसरे साइड लोगों का क्या ओपिनियन है, मेरे को उससे नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी में काम देखता हूँ। एंड एज अ वर्क वाइज मेरे को भाई रणदीप हुड्डा ने, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो बंदा रणदीप हुड्डा है, वो जो मूवी के अंदर कैरेक्टर है वीर सावरकर का, वो कैरेक्टर रणदीप हुड्डा प्ले कर रहा है। मतलब नॉट ओनली हिज फिजिकल अपीयरेंस, बट अगर आप डायलॉग डिलीवरी उस बंदे का चेक करोगे भाई, होश उड़ जाएगा लिटरली। मतलब आपका बोलते हैं ना कि वो छलावा होता है ना, वो टाइप का, वो काइंड ऑफ सामने कुछ हो रहा है जो, लेकिन आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा वो चीज़ को, बट लिटरली भाई दिस इज, आई थिंक सरबजीत के साथ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ हिज करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस भाई। एटलीस्ट मूवी के कलेक्शंस का को ना मद्देनजर रखते हुए या कोई भी चीज़ों को सेपरेटली पॉइंट आउट ना करते हुए, एटलीस्ट भाई इस बंदे को इस बार तो कंसिडर करना चाहिए भाई अवार्ड शोज वगैरह के लिए। एंड कमिंग डाउन टू द कलेक्शंस भाई, फिल्म देखो बोरिंग कोई तरह की से भी नहीं लगी मेरे को फिल्म, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी की पूरी टोटली एक स्टोरी के हिसाब से चलती रही। एंड स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वगैरह बहुत सही लगा मेरे को। सबसे बेस्ट इसका मैंने मैंने रिसेंट लास्ट रिव्यू में, शैतान के रिव्यू में मैंने कहा था कि इस फिल्म में एक चीज़ इन लोगों ने यूज़ किया वीर सावरकर फिल्म के अंदर में, तो भाई वो जो कलर ग्रेडिंग आप उठाकर चेक कर लो, तो वही टाइम स्लॉट का कलर ग्रेडिंग ये लोग उठाकर सेटअप के हिसाब से मतलब लगा रहे। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं जहाँ से हूँ उस जगह के बारे में भी है, एंड उससे रिलेटेड, बिकॉज बहुत सारे रिलेटेड वीर सावरकर के बहुत सारे चीज़ जो है पॉइंट जो है रिलेटेड टू मेरे स्टेट के से कनेक्टेड है, तो मैं उस चीज़ के साथ भी रिलेट करवाया था। बट मेरे को रियलिटी क्या है, कौन क्या है, कौन कैसा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट एज अ कंटेंट, एज एन एक्टिंग, एज अ स्क्रीन प्ले, एज अ डायरेक्शन मेरे को देखना है। और मेरे को भाई मतलब मजा आ गया भाई, मतलब काम देखकर, मतलब ना ऐसा मतलब ऐसे डेडिकेट भाई, क्रिश्चियन मेल को हम लोग इतना ये करते हो, तो मतलब भाई इंडिया में भी कोई ट्राई कर रहा है उस चीज़ के लिए भाई, रेस्पेक्ट भाई, दिल से रेस्पेक्ट। मैं सोच रहा हूँ एक रील वीडियो भी बनाऊंगा, मैं डालूंगा आज इंस्टाग्राम में, तो ज़रूर देखना उसको, बट रेस्पेक्ट ब्रो, रेस्पेक्ट फॉर दिस गाय। तो टोटली आप मूवी देख सकते हो, मूवी कोई बोरिंग या मतलब इरिटेटिंग करने वाली टाइप काइंड ऑफ नहीं है, टाइम हो तो देख सकते हो। मेरा काम है रिव्यू करने का, मैं रिव्यू करता हूँ। आजकल मैंने पहले ही कहा था कि रिसेंट टाइम्स में मैं जब तक मैं चला नहीं जाऊँ उससे पहले जितनी भी मूवीज़ हो उसकी मैं रिव्यू करके जाऊँगा, जितनी भी मूवीज़ आती है उसका रिव्यूज़ करके जाऊँगा। मुझे क्या करना चाहिए, क्या कब करना चाहिए, कौन से टाइम में करना चाहिए, मैं इस स्टेज पर आके खड़ा हूँ कि मैं कुछ सड़क छाप लोगों की बात सुनकर मैं उनके हिसाब से नहीं चलूँगा। मैंने अपने आप को बहुत नीचे से ऊपर तक मैं बनाते गया हूँ, बहुत मेहनत करके कहीं पहुँचा हूँ। मैं इस YouTube की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब मेरे पूरे सब चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ को बनाने के लिए जितना मैंने दिमाग एंड मेच्योरिटी यूज़ की है, वो मेच्योरिटी मुझे मेरे चीज़ों से, चाहे मेरा धर्म हो, चाहे मेरा कर्म हो, या कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ से मेरा रिलेशंस मेरे को पता है, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, कौन से टाइम में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मुझे सब पता है। या ह्यूमैनिटी फर्स्ट है कि कुछ लोगों का ज्ञान फर्स्ट है, वो सब मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे किसी के राय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एज अ एग्ज़ाम्पल हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
तो मैं उसके हिसाब से मैं मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ। तो रिव्यू सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड रणदीप हुड्डा सैल्यूट यार, मतलब पूरा का पूरा रेस्पेक्ट भाई, रेस्पेक्ट इस बंदे को, मतलब बहुत सही काम किया यार।